टू माई चैनल। आज हम जॉन डीवी की जीवनी और कार्य के बारे में जानेंगे। जॉन डीवी का जन्म 1859 में अमेरिका में वॉरमॉन्ट के बाल्टन नगर में हुआ था। इनके पिता गांव के एक छोटे दुकानदार थे और माता एक आशावादी स्त्री थी। जॉन डीवी की प्रारंभिक शिक्षा इनकी जन्मभूमि के विद्यालयों में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपने परिवार की परंपराओं को तोड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आगे बढ़े थे। इनके इस समय के नीचे इनकी माता का बड़ा सहयोग रहा। 1879 में इन्होंने वॉरमॉन्ट विश्वविद्यालय में बीए की उपाधि प्राप्त की, जिनकी दर्शन विषय में विशेष रुचि थी। इनकी मतलब दर्शन विषय में विश्वविद्यालय से बीए की जब कर रहे थे तब से रुचि होनी शुरू हो गई थी। इसी में इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। बीए करने के बाद एक वर्ष तक दर्शन के अध्ययन में लगे रहे और साथ साथ अध्यापन कार्य करते रहे। अब इन्होंने हापसंग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ ये ख्याति प्राप्त विद्वानों के संपर्क में आए। दो वर्ष में अथक परिश्रम के बाद इन्होंने कांट के दर्शन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1888 में मेंटो सार विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इन्होंने यहाँ एक वर्ष की कार्य किया। सन 1889 में मिग्निश विश्वविद्यालय में मिल गया था इनको स्थान। यहाँ 94 तक रहे। यहाँ तक रहते हुए इन्होंने दर्शन विषय की विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए और विशेष ख्याति प्राप्त की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर 1894 में जब ये केवल 35 वर्ष के थे, इन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग का अध्यक्ष बनाकर बुला लिया गया। यहाँ पर इन्हें दर्शन और शिक्षा दोनों विषयों को पढ़ाने का अवसर मिला। परमार्थता शिक्षा विषय में इनकी रुचि बढ़ी। यहाँ रहते हुए 1896 में इन्होंने अपनी शिक्षा सिद्धांतों का कार्य प्रमाणित रूप से किया और छोटे से प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में 4 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि जो है इन्होंने एक विद्यालय बनाया था और उसमें 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, वर्ग सेक्शन जो था वो 8 से 10 तक के विद्यार्थियों को था, रखे जा सकते थे। यहाँ पर प्रयोगात्मक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय था जिसमें सिद्धांतों से और विचारों से विचारों का प्रयोग होता था। उनके परमाणु की आलोचनात्मक व्याख्या भी की जाती थी। ठीक है, और नए नए निर्णय लिए जाते थे, नए नए सिद्धांतों की खोज की जाती थी और यह चक्र चलता रहता था। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इस शिक्षा शोध और प्रयोगशाला की भी शिक्षा से दी गई है। ठीक है, चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अब आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना के बाद जॉन डीवी ने अपने विचारों को लेखबद्ध करना शुरू किया। 1896 में इन्हें इनकी सर्वप्रथम रचना प्रकाशित हुई, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था इंटरेस्टेड एंड रिलेटेड टू वेल। ये इनकी पहली रचना थी। तो ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इसको नोट डाउन करते हुए चले। ठीक है, जो इनकी प्रमुख रचना थी वो यही थी कि इंटरेस्ट एज रिलेटेड टू वेल, ये इनकी रचना थी। इसके बाद ये 1897 में इनकी माई पैडागॉजी कोड क्रीड 1819 में आई। द स्कूल एंड सोसाइटी, ये बहुत अच्छा बहुत पूछा जाता है। द स्कूल ऑफ एंड सोसाइटी, बहुत पूछा जाता है इस बारे में। ठीक है, द स्कूल ऑफ एंड सोसाइटी बहुत पूछी जाती है, तो आप इस बारे में भी ध्यान रखें। द स्कूल ऑफ सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से कॉलेजों में पूछा जाता है, क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है। और 1902 में चाइल्ड एंड द करिकुलम आई इनकी, जैसे लर्निंग बाय डूइंग जो दिया गया था वो इसी में दिया गया था। ठीक है, करिकुलम में दिया गया था, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो था वो इसी चीज़ में दिया गया था। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट था वो द चाइल्ड एंड द करिकुलम द्वारा ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। इस पद में उन्होंने केवल एक वर्ष कार्य किया। इसके बाद ये विश्वविख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर बने। 1904 से 1930 तक ये इसी विश्वविद्यालय में रहे। अध्यापन के साथ साथ शिक्षा की समस्याओं पर चिंतन व लेखन यहाँ पर जारी रहा। थ्योरी और प्रैक्टिस एजुकेशन टीचर्स 94, द स्कूल एंड चाइल्ड, यहाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये हर जगह पूछा जाता है। यहाँ पर सारी थ्योरीज उसकी उनकी दी हुई है डीवी की, और सारी चीज़ें भी दी गई हैं। तो आप चाहें तो इतने पैरा का आप स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप सारी थ्योरी एक साथ आपके पास रहे और आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इन सिद्धांतों के माध्यम से इनकी ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ है। अच्छा, डेमोक्रेसी जो ग्रंथ है वो इन्होंने ही दिया था, जॉन डीवी द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका महत्वपूर्ण 1919 में जापान में ये टोक्यो विश्वविद्यालय में दर्शन और शिक्षा पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, 1921 में इन्होंने चीन पैकिंग विश्वविद्यालय में आमंत्रण मिला। 1931 में इनके टर्की सरकार ने अपने देश के विद्यालयों का संगठन किया। अब लगभग 50 ग्रंथों की रचना 1952
में 92 वर्ष के थे ये जॉन डीवी और इनका स्वर्गवास हो गया। इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 1952 में था। कब हुआ था, कितने वर्ष के थे ये, 92 वर्ष के थे जब इनका स्वर्गवास हुआ था। चलिए बिना देरी के आगे पढ़ते हैं इनके आगे की फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ डीवी। अच्छा, आप इनकी डीवी के दार्शनिक चिंतन भी था। अभी हमने जॉन डीवी की जीवनी पढ़ी और उनके बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम फिलोसफिकल थॉट्स पढ़ेंगे डीवी के। जॉन डीवी दर्शन शास्त्र के एक प्रतिभाशाली छात्र थे। इन्होंने अनेक दर्शनों और दार्शनिक संप्रदायों का अध्ययन किया था। अपने जीवन में इन्होंने प्लेटो, हीगल, कांट, डेवन आदि आदि दर्शनिकों के विचारों पर विशेष अध्ययन किया। कांट ने दार्शनिक विचारों पर तो लेखों और अध्ययन के बाद यह पता चलता है कि डीवी ने दार्शनिक विचारों में परिवर्तन होता रहता है। महाप्रारंभ में डीवी पर अपने प्रोफेसर जॉर्ज मॉरिस पर प्रभाव पड़ा, जिनके प्रभाव से ये हीगल के आदर्शवादी दर्शन को स्वीकार किया। इसके बाद ये डेविन से प्रभावित हुए और इन्होंने अस्तित्व के लिए संघर्ष और सबल की विजय, इन दो सिद्धांतों का अध्ययन किया, स्वीकार किया। इस प्रकार आदर्शवाद को त्याग कर ये प्रगतिवाद के समर्थक भी बन गए थे। इसके बाद जॉन डीवी पर सबसे बड़ा प्रभाव विलियम जेम्स और उनकी प्रयोजन दर्शन पर पड़ा। आज ये प्रयोजन दर्शन दार्शनिक रूप से विख्यात है। यहाँ हम डीवी के दार्शनिक चिंतन के उसकी तत्वमांशा, ज्ञान मांशा, आचार मांशा के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये इतनी वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।